Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड. Let's go. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं पैल वर्ल्ड में. All right guys, welcome back to पैल वर्ल्ड. तो फिलहाल अभी मैं हूँ अपने बेस पे और आज मैं आप लोग को सबसे पहले मिलाना चाहूंगा अपने उन सभी पोकेमोन से जो कि मैं लास्ट टाइम पकड़ कर लाया हूँ. तो ये देखो, मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ अपने पहले टॉम को. जा टॉम, अकेला मार के आसे कर दे गए. टॉम को पता तो है किससे अटैक करना है, बट उसकी ऑलरेडी सिंडिकेट थक से फाइट चल रही है. मार सोच क्या रहा है तू? सोचने क्यों लग जाता है? मार उसको 2500 एचपी मार देगा. भाई ये अलग है, किंग पाका. मुझे इसे कैप्चर करना है. ओबे तेरी, कूद वूद रहा है. भाई टॉम उसे मारने तो लग रहा है, बट वो भी 100 एचपी भी उसकी डाउन नहीं कर पाया. मुझे किंग टॉम को वापस बुलाना चाहिए और मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ इसको मेरे बॉस पोकेमोन. अबे ये कौन मार रहा है सामने से हमारी? ना गाइस, एक बार में किसी दो पोके, बाप रे. जा तू लड़ इससे गाइस, बहुत दिमाग लगा के फाइट करनी होगी. इसने बहुत से डैमेज दिया है, उसका पूरा ध्यान मेरे पे है और हम लोग अभी उसे मार सकते हैं. वेरी वेरी गुड. अट जा, बच गया. मार 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 इसको, वापस मार, वापस आ जा. मुझे वही है, स्ट्रैटेजी से फाइट करनी होगी. वापस भेजता हूँ, बट ये मुझे मारने आता है यार उस टाइम पे. फिर यार वैसे अपनी फाइट काफी अच्छी खासी ओपन फील्ड में हो रही थी, पर ये पहाड़ों पे कहाँ आ चुके हो? ये ले, तू भी पहाड़ पे और ऊपर आ, मार पर इसको. बहुत सही, बट तू मार नहीं पाया. ये मेरे पे आ चुका है. ओ भागो भागो. ओ बच गया. ये मेरे ऊपर कूदेगा ना, मैं एक ही बार में मर जाऊंगा. मेरे को अपने पोकेमोन को बुला के सामने नीचे फेंकना चाहिए. और लगे हाथ भाई, मैं थोड़ा थोड़ा ना खाना खाते रहता हूँ ताकि मेरी हेल्थ बढ़ते रहे. अबे वो हील हो जाएगा, जाके उसे मार. ये दूर फेंकता हूँ इसको मैं, ताकि इसे पता तो रहे. अबे कहाँ आ रहे? डोरेमोन के चचेरे भाई, इससे लड़ाई करनी है हमें. मार इसको भाई, इसको कमांड देनी पड़ेगी. भूल गया हम लोग यहाँ करने के आए हैं. हम लोग इससे लड़ने आए हैं, इससे. हाँ वेरी गुड, मारा भाई इसने. तो जब वापस आ जा, जब वो अटैक करेगा मुझे से वापस बुलाना है और फिर उसके बाद अटैक करने भेजना है. ये मारा, सही मारा. अभी एक मिनट रुको यार, ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, इसको पहले निपटा दूँ मैं. वापस आ, वापस जा और तू निकल. तूने ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है. अभी इन दोनों की 1v1 बहुत सही फाइट हो रही है. मुझे इसे वापस बुलाना है और टाइम टू टाइम भेजना है. बच गया, ये गया ऊपर. अरे मारा. देखो गाइस, अगर मैं स्ट्रैटेजी से लड़ू ना, मैं इसको बहुत इजीली मार सकता हूँ. अरे अरे अरे, बहुत सही यार. वैसे उसकी एचपी ना हम लोग कुछ भी डाउन नहीं कर पा रहे हैं एक बार में. मुझे कोई भेजना होगा तगड़ा पोकेमोन जो बहुत ज्यादा डैमेज दे एक बार में. कुछ ऐसा डैमेज कॉन्टिन्यूसली मारता रहे इसको, दे टक्कर. भाई लड़ते लड़ते रात हो जाएगी, पर ये पोकेमोन को मारने में जो टाइम लगेगा आज वो बहुत ज़्यादा लगेगा. मैंने गलती कर दी इसे ना बुला के. टॉम मार दे यार इसे. टॉम से मेरे को काफ़ी भरोसा है यार, डैमेज अच्छा देता है ना. वापस आ, वापस जा, वापस आ, वापस जा. इसे कंफ्यूज कर दूंगा. वापस आ, वापस जा. अरे पिट ज्यादा रहा है टॉम, मार कम रहा है. वापस जा. अरे मेरे पीछे आ रहा है वो टॉम, मार उसे भाई. निशाना लगा. मारते रहे बस इसे. ओ मेरे लग गई. सही बताऊं तो यार मेरे पोकेमोन बढ़िया नहीं है, पिट रहे हैं भाई सारे के सारे जाके. भाई ये बॉस पोकेमोन है तो खतरनाक. एक टक्कर तो मारो बढ़िया सी. ये डियर राहुल तो और कुछ नहीं करता भाई. ये फिर भी है, काफ़ी देर तक लड़ा था, सही टाइम पर मैंने सोचा है. इसको मारने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि हम लोग इसे मार पाएंगे. मैं फुल अभी स्ट्रैटेजी से खेल रहा हूँ और मैं शायद इसे जल्दी मार दूंगा. मेरे पीछे आ रहा है भाई, तो पागलों की तरह. भाई जिस हिसाब से मैं उसकी हेल्थ कम कर रहा हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ मैं इसे मार के इसे फाइट जीत जाऊंगा, इसे कैप्चर भी कर लूंगा. बट ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी, पर इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो फास्ट डैमेज करने वाले पोकेमोन थे वो सारे के सारे तो आधे ज़्यादा मारे जा चुके हैं. गाइस मुझे ऐसा नहीं लगता. गाइस देखो सही बताओ ना, मेरे धीरे धीरे सारे पोकेमोन अब पिटते भी जा रहे हैं. यार देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अभी फाइट लेनी चाहिए. ये पोकेमोन को मारने के लिए मुझे कोई वैसा पोकेमोन लाना चाहिए था जो भले ही कमज़ोर हो, छोटा हो, बट वो बहुत फास्ट फास्ट डैमेज करता हो. क्योंकि ये पोकेमोन मर रहा है, पिट रहा है बहुत अच्छे से, मैं इसे आराम से मार दूंगा, पर यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे फाइट करनी चाहिए, काफ़ी फालतू पोकेमोन है यार. तो मैं अपने उस वाले पोकेमोन को बुला लेता हूँ और यहाँ पर फेंकता हूँ इसको.
और चुपचाप से यहाँ से भाग जाता हूँ। मैं थोड़ा सा बेटर होकर आऊंगा यार, अपनी अभी जो है ना फाइटिंग में तेज डैमेज देने वाली पावर नहीं है, मुझे फील हुआ। बॉस पोकेमोन पकड़कर कोई फायदा नहीं है यार, वो बस ऐसे पोकेमोन है कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है तो वो बहुत देर तक फाइट में लड़ सकते हैं, पर ऐसे उनका डैमेज कुछ ज्यादा नहीं है। वैसे गाइस यहाँ पर मुझे टॉम मिला, क्यों ना टॉम को पकड़ लिया जाए। इधर आवे, यहाँ पे दो दो है पर मैं इन्हें मार दूंगा। टॉम से लड़ने के लिए एकेथी डियर को भेजते हैं ना भाई, ऐसा ना हो कि अभी पिटपुट आ जाए और मैं अकेला बचूं यहाँ। बस 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 इसको कैप्चर कर लेता हूँ मैं। वो नहीं हुआ तो चलो एक तो हो जाएगा। अरे नहीं हुआ ये, मैं मरूंगा भाई अब। बहुत ज़्यादा बुरी तरह पिटाई हुई है आज अपनी, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह। तो आज बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने बेस पे वापस पहुंच चुका हूँ। एक बार ही चल के सोते हैं। आज जिस तरीके से मैं पिटा हूँ ना भाई इन बॉस पोकेमोन से फाइट लेने में, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो चलो गाइस अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, अगला दिन लग गया, अभी रात नहीं हो रही है, सूरज उगना चालू हो गया उस तरफ से, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए फास्ट ट्रैवल करके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मैं लास्ट टाइम मरा हूँ। तो देखो मैं मरा हूँ यहाँ पे और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा यहाँ आने का। इसको उतार लेता हूँ भाई, इसको लेके चलूँगा जल्दी। चलो तो मैं पहुँच गया उस जगह पे जहाँ पे मैं मरा था, सारा सामान अपना उठा लेते हैं। गाइस ऊपर ना मुझे एक माइन शाफ्ट दिख रही है, इस माइन शाफ्ट में चलता है टाइम पास करने, क्योंकि ये बॉस फाइट में तो मैं हार चुका हूँ। आई होप इस माइन शाफ्ट के अंदर कोई ये अबेंडेंट माइन शाफ्ट है, और इस अबेंडेंट माइन शाफ्ट के अंदर हो तो नहीं सकता कि एकदम खाली पड़े हो, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार अंदर, कोई मॉन्स्टर्स होंगे या कोई खजाना होगा या कुछ ऐसे पोकेमॉन्स होंगे जो कि थोड़े अलग लेवल के डेंजरस हों जिन्हें मैं पकड़ सकूं। बट नहीं, ये कौन है भाई? ब्लैक मार्केटर। भाई ब्लैक मार्केटर, एक मिनट इससे बात करते हैं, इसमें शायद से कुछ अलग अलग सामान है जो कि सस्ते में बेचे। आई ट्रेड एनी काइंड ऑफ पाल, ओ भाई, वेदर इट्स स्टोलन पाल्स और इवन प्रोहिबिटेड टाइप्स ऑफ, ओके ये पाल्स खरीदने के लिए रेडी है। बाय कॉन्ट्राबैंड, ये बेचता भी है। इसके पास बहुत सारे अलग अलग पाल्स हैं जो कि ये 2,000, 3,000, 5,000 में दे रहा है। मेरे पास अभी फिलहाल 1,000 गोल्ड ही है, बट मैं इसे अपने कुछ पाल बेच सकता हूँ, जैसे कि ये बेच देते हैं भाई, ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। इसको मैंने बेचा है 538 में, सबसे ज़्यादा। बाकी खरीदने के लिए इसके पास ऐसा कुछ खास है नहीं। कल को मेरे पास जब गोल्ड होगा ना तो मैं इससे पाल खरीदने आऊँगा, बट अभी मुझे ऐसा कोई भी पोकेमोन या पाल नहीं चाहिए। तो बाहर निकलते हैं और इसको देखो भाई किससे लड़ाई चल रही है, अंदर चल तू। अभी मस्त अगला सवेरा हो चुका है, मुझे ना एक बार अपने बेस पे वापस जाना चाहिए। मैंने नाइट विंग को पकड़ा था ना, नाइट विंग को डालते अपनी लिस्ट में, उससे फाइट करवाएंगे, वो उड़ उड़ के लड़ेगा भाई, उसमें अलग पावर होगी यार। ओके मैं चलता चलता भाई कोई तो एक नई जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पर से मैंने फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक कर लिया है भाई। लिटरली ये कोई नई ही प्लेस है यार, यहाँ पर मैं अभी तक नहीं आया था, और इस तरफ आते ही ये क्या है भाई, ये मुझे मारेंगे तो नहीं ना? फ्री पाल अलायंस, ओए मारेंगे भाई, रुको मैं तुम्हारे से लड़ने का मन नहीं है मेरा अभी। यहाँ पे मुझे कुछ नया नया एरिया एक्सप्लोर करना है, नए नए पोकेमोन ढूंढने हैं भाई। ये एरिया थोड़ा सा अलग है भाई, इन्होंने दरवाजे पे सेफ्टी के लिए गार्ड्स लगा रखे थे, और यहाँ पर ये देखो ब्रिस्टला मूनलेस शोर, और सामने है एक बहुत बड़ा कासल। बट यार इस वाले आइलैंड पे ना बहुत सारे बंदे हैं जो कि गन ले लेके घूम रहे हैं, गन भी प्लस उन पे बहुत सारे डंडे वंडे भी हैं भाई, मेरे को दिख गया ना बजा डाले। अरे एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हैं यहाँ, मेरा तो आना जाना इन्होंने मुश्किल कर दिया यार। इनकी यहाँ पर फाइट चल रही है किसी बटरफ्लाई से, इसको बताता हूँ मैं, पीछे से मारूंगा। ओ भाई ले भाई, रुको यार मेरे को पंगे नहीं लेने चाहिए, मैं निकल लेता हूँ। गाइस इस आइलैंड पे तो अलग ही फाइट्स चल रही है यार, जितने भी पाल्स हैं वो सारे इन लोगों से लड़ रहे हैं, वो सब एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं यार, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं सही में कोई तो एक अजीब सी नई जगह पर आ चुका हूँ, और सामने एक बहुत बड़ा कासल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी होगा यार जरूर। एक मिनट मैप में चेक कर लेता भाई, हाँ यहाँ पर एक पेटालिया है, मैं एक बार नीचे चलता हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ यार, इनको भी खिला देता हूँ। यार मैं सही बताऊँ अभी ना मैं किसी से फाइट भी नहीं ले सकता, मेरे आधे से ज्यादा पोकेमोन तो मर ही रखे हैं, तो बेटर यही होगा कि से चल के ना मैं पहले इसे फास्ट ट्रैवल को अनलॉक करके यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके मैं निकल लेता हूँ। मुझे यहाँ से फास्ट ट्रैवल करना है वापस अपने होम पे, ये लोग मुझे मार ना दे। बाय 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 बाय, बच गया मैं, बच गया। ओके लेट्स गो, होम पे वापस आ चुके हैं। पैल बॉक्स में फटाफट से पहले मैं डाल देता हूँ, ये मरा है मेरा, ये भी मरा था, ये भी मरा था, ये भी मरा था। उस अकेले पोकेमोन से फाइट लेने में चार पोकेमोन मेरे मर गए, कहा मैं चला था बॉस फाइट लेने और क्या ही बुरी तरह पिट के आया हूं मैं। तो अभी ना सबसे पहले मैं जाने वाला हूं उस टावर में फाइट लेने के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टास्क वही है। शायद मुझे लेवल टू लेवल बढ़ना चाहिए, अगर मैं जंप मारने का ट्राई करूंगा तो मैं बस ऐसे अलग अलग खतरनाक पोकेमोन से मरूंगा बहुत बुरी तरह। तो बेटर ये है कि 10 मिनट वेट करते हैं, मेरे सारे के सारे पाल अभी हील हो रहे हैं, तो जब तक के लिए मैं अपने बेस को अपग्रेड कर लेता हूं। तो मुझे एक हॉट स्प्रिंग बनाना है, प्रिमिटिव फर्नेस बनाना है, और एक बेरी प्लांटेशन बनाना है। वैसे मैंने ना एक माउंटेड टॉर्च भी सोचा था, इससे कि ना रात में यहां पर थोड़ी रोशनी रहेगी, तो इसको बनाकर, तो हमेशा अंधेरा हो जाता है यहां पे, तो मैं इसे एक रख देता हूं इधर, ये लोग बिल्ड कर देता हूं, ये भी तुम लोग ही बिल्ड कर लो। बाकी यार मैं अपने पाल्स को अपग्रेड कर सकता हूं यहां से, बट वो कैसे होते हैं मुझे पता नहीं। ओके तो ये देखो, टॉम को मैं एनहेंस करना चाहूं, मुझे उसकी हेल्थ बढ़ानी है, एनहेंस। ओके तो जो मेरे पास ये जो ब्लू वाली चीज है ना, इससे हो रहा है। एंड ये ब्लू वाला क्या है, मैं इसका अटैक बढ़ा सकता हूं,
यस डिफेंस वर्क स्पीड मुझे नहीं बढ़ानी, हेल्थ और अटैक इसका बढ़ा देते हैं फुल एकदम। ओके ठीक है, अभी ये काफी हद तक बढ़ चुका है यार। मुझे ना बस एक बार ये जानना है कि जो पाल सोल्स है, जैसे कि मैं जिससे अपने पाल की हेल्थ अपग्रेड कर पाया, ये तीनों चीजें मुझे मिलती कैसे है? पाल सोल्स, क्या किसी पाल को मैं मारता हूँ तो मुझे उसकी सोल मिलती है क्या? मुझे एक बार बस ये चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाके इसको मारूं तो ऐसे तो मेरे पास ये बहुत सारी हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं शायद से ऐसे होता है, एक बारी चल के फिर भी पता कर लेते हैं। देखो ये तीनों चीजें नहीं बड़ी, पाल सोल्स मिलती कैसे है मुझे बस ये जानना है। मैं इसे क्राफ्ट कर सकता हूँ या फिर नॉर्मली हमें ढूंढनी पड़ती है? इसको जो पाने का पूरा सीन है वो मुझे समझना पड़ेगा एक बारी। फिलहाल अभी ना मैं एक फायर बो एंड फायर एरो क्राफ्ट कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ी बहुत लकड़ी एंड पत्थर चाहिए होगा। देखो पत्थर यहाँ पे पड़ा ही है बहुत सारा, जो कि मेरा पूरा बैग भर चुका है। चलो तो अभी बस मुझे थोड़ा सा वुड लेकर आना है, मेरा बैग भर जाता है यार एक तो थोड़ी चीजें उठाते ही, तो आधे पत्थर गिरा देता हूँ मैं, बैग खाली हो जाएगा। और अभी मुझे अपने लिए बनाना है बो एंड एरो। सीन क्या है ना, हमेशा मेरे पोकेमोन फाइट करते रहते हैं, मैं बस दूर खड़े होकर देखते रहता हूँ, बट अब मैं भी फाइट करूंगा। थोड़ी बहुत चीजें खराब थी उसे रिपेयर कर लेते हैं। चलो लेट्स गो, मैंने बो बना ली है, फायर एरो बनानी है जिसके लिए मुझे फ्लेम ऑर्गन चाहिए। क्या अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं? यार अपने को ना ये वाला बो बनाने का फायदा नहीं हो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फायर वाला एरो डलता है, तो अभी मुझे कोई नॉर्मल बनाना चाहिए। चलो ढेर सारा वुड मुझे यहाँ से मिल चुका है, और अब एक काम करते हैं, एक ये बना लेता हूँ मैं। यार आज का दिन ना मेरे लिए सबसे ज्यादा बुरा दिन होगा पाल वर्ल्ड में। मतलब मैं क्या सोच के आया था कि मेरे पास इतने सारे तगड़े पोकेमोन हो चुके हैं, मैं पता नहीं कितने ही पोकेमोन को जाके मारूंगा, क्या क्या कर दूंगा, बट नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है भाई इस गेम में। हर पोकेमोन का टाइप और फाइट करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बाकी ठीक है, मेरे पास बहुत सारे एरो हो चुके हैं, मैं इसे चलाऊंगा कैसे? बट ओके तो मुझे बस ऐसे डायरेक्टली ऐसे खींच के रखना है और ये मारा, ठीक है। बस मुझे भी एक और चीज चेक करनी है कि जो मैं एरो शूट करता हूँ मैं उसे वापस कलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने खींचा और ये मारा, भाई ये सही है, ये ले ले। चलो ठीक है, मैं एरो तो वापस नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर सही है ना, मेरे पास एक और अपने पास वेपन हो चुका है, मैं इससे लड़ते तो रहूंगा एटलीस्ट। चलो मेरे शायद से बाकी पोकेमोन रेडी हो चुके हैं, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ अभी। हाँ सब लोग हो गए हैं। टॉम बैट तू आजा, तू भी आजा। बॉस पोकेमोन पता नहीं कहाँ के बॉस है, पिट पिट के तो आते हैं। सब लोग के भी हेल्थ धीरे धीरे हील हो रही है। मेरी क्लोथ डैमेज है, उसके लिए मुझे एक बार फाइबर बनाना होगा, फाइबर से क्लोथ बनाना होगा ताकि मैं अपने कपड़े भी रिपेयर कर पाऊँ। रिपेयर बेंच पे जाके इसे रिपेयर कर देते हैं, डन। चलो देखो यार मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी फाइट करने के लिए निकलना चाहिए क्योंकि थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। चलो भाई रात हो चुकी है, एक बार सो जाते हैं और कल चलेंगे बॉस पकड़ने, कोई तो बॉस पकड़ के लाऊंगा आज मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज का दिन यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा दिन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा, फास्ट ट्रैवल करके मैं जाने वाला हूँ टावर के पास। डन गाइस, टावर पे मैं आ चुका हूँ और फर्स्ट फाइट मैं जा रहा हूँ चैलेंज द बॉस एट रायन सिंडिकेट्स टावर। ठीक है भाई, यहाँ पे अपनी फर्स्ट फाइट होने वाली है। वैसे मैंने एक पोकेमोन पकड़ा था, मैं उसको लाना भूल गया हूँ, टावर ऑफ द रायन सिंडिकेट। शायद से मुझे जिस पोकेमोन से लड़ना है वो कोई बॉस बैटल है और मेरे पास 10 मिनट का टाइम लिमिट है। ओके अच्छा, ये वो एरिया है जहां पर मेरी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फाइट होगी। ओ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओके भाई यहाँ पर ये कोई तो खतरनाक सी लेडी आई है। ओके इसके पास जो पोकेमोन है वो अपना अलग है, और अभी जो है 1v1 जैसे पोकेमोन में बैटल्स होती थी कुछ वैसी बैटल होने वाली। और ये क्या भाई, बड़ा पिकाचू। लेट्स गो गाइस, फाइट हो चुकी है, मैं भेजने वाला हूँ सबसे पहले इसको। ग्रीनलेट जा हमारे से, ये करंट फैक। ओ भाई मुझे मारा, ये क्या है, वो अपने पोकेमोन में ऊपर ही बैठी हुई है भाई। ओके सही फाइट हो रहा है, सही फाइट हो रहा है। मेरा पोकेमोन बहुत बुरी तरह पिट रहा है यार, क्योंकि उसके पोकेमोन का हेल्थ बहुत ज्यादा है, मैं नहीं जीत सकता 29,000। रुको, मुझे भेजना पड़ेगा टॉम को। टॉम तू जरा बता इसे, मैं जैसे ही ये मारने लगेगा ना मैं टॉम को बुला के दूसरी साइड फेंकूंगा। मैं इसे मार तो सकता हूँ भाई, वो देखो वो उसके ऊपर ही चढ़कर बैठी हुई है यार। नाइस मैं बच रहा हूँ, मार टॉम, मार इसको। बढ़िया भाई, मुझे कोई वो पोकेमोन चाहिए जो बहुत तेज डैमेज फेंके। तो टॉम को वापस लाते हैं, अब फेंकते हैं इसको अपने बर्फ वाले को। तू वैसे बहुत मार रहा था मुझे, अब मारना इसको। बढ़िया भाई ये तो पेल रहा है। ओ करंट लग गया उसको, बट कोई नहीं, तेरे को करंट लगा बदला ले उससे। वास्त जमा दिया भाई, जमा दिया। ओ नहीं 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 नहीं, बच गया मैं भाई। इसका ना फाइट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इसको वापस बुलाता हूँ मैं और यहाँ पे फेंकता हूँ। ये देखो वो जान मुझके मेरे पास ला रही है उसको लड़ने के लिए। ओ नहीं, ओ वैसे एक चीज मुझे याद आई, मेरे पास वो एरो था ना, मुझे लग गया इसे मारते रहना चाहिए। यस ऐसे ही मुझे अपने इस पोकेमोन को बुला के इसको फेंकना चाहिए। अब भाई फाइट तो बहुत ज्यादा सही चल रही है, पर ये पोकेमोन भाई मारने तो आता है बहुत तेज स्पीड में। ये देखो कैसे आ रहा है। ओ करंट ही लगा दिया मुझे इसने पूरा। गाइस रुक जाओ, मुझे ना थोड़ी देर हील होना होगा।
थोड़ी देर क्या, मुझे बहुत देर ही लोना पड़ेगा। अरे मुझे मारने आ रहा है भाई वो, टॉम जा इधर नहीं, बीच में जा, बीच में लड़ने जा, मुझे मार देगा वो। चलो मैं बच गया हूँ। मेरी हेल्थ जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट हम लोग इससे जीत सकते हैं यार। गिल ले डैमेज। टॉम को मैं वापस बुला लेता हूँ और टॉम को भेजता हूँ सेंटर में। मुझे बस ऐसा रखना है कि ये हमेशा इनसे फाइट करता रहे, पर यार मेरे पास ना एक टाइम लिमिट है। इस टाइम लिमिट में इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये पोकेमॉन 30,000 हेल्थ का है भाई। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको मारने की, बहुत कम एचपी तो मैंने उसकी कर डाली है, पर वो भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। टॉम तू बस उसे मारते रहे भाई, जिस हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं ये मर जाएगा। भाग 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 भाग, मेरा स्टैमिना ख़त्म होने वाला है यार। मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, बहुत सही। अरे नहीं 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 नहीं, ये बात बच गया भाई। इसकी पिटाई तो हमने कर दिया बहुत गलत वाली। वापिस आ टॉम, वापिस आ। अब मैं भेजता हूँ इसको। ओए बच गया। नाइस, 13,000 एचपी है, वो मरेगा। बचा लिया मैंने, जा। गाइस गाइस गाइस, हम इसे मार देंगे। ओए तू जा। मैंने उसे बचा लिया और तू जा। गाइस 12,000 बचा है बस, मेरे पास 4 मिनट है, मैं शायद से इसे मार डालूंगा। अगर ये आज बचा भी ना तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से बचेगा। मार मार मार, पर ये निशाना तो सही से लगा। नाइस, बढ़िया। अरे मैंने गलती कर दी उसको बुला के। मुझे भेजना चाहिए अब इसको। अब बारी आ चुकी है भाई इसकी, ये सही अटैक करेगी। मार टक्कर इसे, बहुत बढ़िया। अरे मार देगा मुझे। तो देखो गाइस, अब सिंपल सा सीन है, 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट के अंदर से जितना डैमेज दे सकते हैं मुझे उतना डैमेज से देना है, बट मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा यार। टॉम था जो इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था, तो टॉम को भेज देते हैं अब। और मुझे भी इसे अब मारना पड़ेगा थोड़ा सा, बट नहीं मैं पास नहीं जा सकता यार उसके। मार टॉम इसको मार। यार टाइम खत्म होता जा रहा है। गाइस प्लीज मर जा यार, मर जा मर जा मर जा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही फाइट हो रही है। मुझे पूरा दम लगा के से अपनी तरफ से भी मारना होगा इसको। मैं अपने पीछे लाता हूँ ताकि टॉम इसको मारता रहे। अबे टॉम कहाँ गया? अबे लड़ लड़ मार से यार, ये अपना पत्थरों के पीछे छुप रहा है जाके। अबे दीवार में कहाँ मार रहा है यार। भाई अपना सारा डैमेज ना दीवारों में जाके भिड़ रहा है। नाइस नाइस, मैं इसे अपने पीछे ला रहा हूँ, तू मारते रह जा टॉम। अबे ये कौन सा टॉम है?
गाइस हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे, टाइम ही नहीं बचा है। ओ नहीं नहीं, हो सकता है सिर्फ थोड़ा सा डैमेज और देना है। खाना है। मार। भाई ये मर चुका। 30 सेकंड में मार देंगे हम इसे। मैं मर जाऊंगा उल्टा ले। अरे उसके ऊपर तो बॉल काम ही नहीं कर रही है, शायद से हमें बस इसे मारना ही है। मुझे बस बच के रहना। लेट्स गो, हमने से मार दिया, हमें बस इसको मारना ही था क्या? लेट्स गो। ये देखो, ये ज्यादा चौड़ी हो रही थी ना, आके गिर गई। लास्ट के कुछ सेकंड्स में हमने इसको हराया भाई। टॉम पे पूरा विश्वास है भाई, मुझे शुरू से ही टॉम को भेजना चाहिए था यार। भाई लेट्स गो, फास्ट ट्रेवल भी हमने यहाँ का अनलॉक कर लिया। मेरा कोई भी पॉकीमोन पूरा नहीं मरा भाई, सारे के सारे पॉकीमोन जिंदा आए हैं। अम्मत मर जाइए, वापस आ जा। मैंने गलती से उसको नीचे फेंक दिया था। बाय द वे यहाँ से व्यू देखो यार, कहाँ पर आके हम लोग खड़े हो गए भाई, एकदम टॉप फ्लोर पे। और मुझे ना बस अब एक और चीज ट्राई करनी है। ये बॉस बैटल तो तुम्हारा भाई जीत गया, और ये है अपना बेस। यार इसको मारने के बाद अगर मुझे उसका पोकेमोन मिल जाता तो काफी बढ़िया रहता। क्या मुझे मिला है क्या? चेक करूँ क्या? आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो मिला होगा। हाँ वो एक अलग टाइप का बैटल था। तो खैर वो तो नहीं मिला, बट मुझे अभी याद आया कि मैंने इसको पकड़ा था। ये देखो, ये है नाइटविंग। तो देखो ये है वो उड़ने वाला भाई पोकेमोन, जिसके ऊपर मैं शायद बैठ नहीं सकता। एक मिनट रुको यार, मेरे को इस पे बैठने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अनलॉक करना होगा क्या? अगर मैं इस पे बैठ के उड़ पाऊँ तो यार बहुत ही ज्यादा सही सीन हो जाएगा। हाँ देखो, ऐसा अभी कोई भी ऑप्शन मेरे पास अनलॉक्ड नहीं है, बट आई होप ऐसा कुछ हो गेम में इन फ्यूचर एड हो। बट खैर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हमने बॉस फाइट करी, हम लोग तगड़े पोकेमोन्स को पकड़ तो नहीं पाया। अरे तुम आग में जल कैसे रहे हो यार? थोड़ा ना मुझे सेटअप ठीक करना पड़ेगा यार खाने पीने का। ये खुला वाला फर्नेस को हटा के ना, मतलब ये कैंप फायर को हटा के मैं एक बर्नर क्राफ्ट कर लेता हूँ, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट यार जो भी हो आज के दिन अपनी बॉस फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हुई है। हमने एक बहुत ही तगड़े पोकेमोन को डिफीट करा है। वैसे देखा जाए तो मैं कुछ खास पोकेमोन आज कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, बट मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमोन जो कि है नाइटविंग, उसको मैंने जरूर कैप्चर कर लिया है। जो कि देखो भाई कुछ इस तरीके से अटैक करता है। इसका अटैक करने के तरीकों पे तो मैं दीवाना हूँ। जैसे चील लड़ती है ना भाई, ये कुछ वैसे लड़ता है। ये देखो ये गया। वैसे इसको शर्म नहीं आ रही कि मुर्गियों को मार रहा है, बट ठीक है मार रहा है। चलो भाई सही है यार, अपना बेस धीरे धीरे मस्त अपग्रेड होता जा रहा है। अपने पास पोकेमोन की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो आज की सारी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड भी पैल वर्ल्ड का जरूर अच्छा लगा होगा। हम लोग ऐसे कुछ आज खास ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआत ही अपनी बहुत ज्यादा बुरी हुई। पहले हम लोग उस एलिफेंट वाले बॉस से हारे, उसके बाद हम लोग क्या नाम था उसका, जो पहाड़ पे एक एकदम चिकन जैसा बड़ा सा कूद कूद के लड़ रहा था, हम लोग उससे भी हारे। बट उसको तो मैं जरूर मारूंगा, वो मेरे से नहीं बचेगा। वीडियो की शुरुआत काफी बुरी थी, हार से शुरू हुई, बट लास्ट में आते आते हमने एक प्रॉपर बॉस फाइट करी 10 मिनट की। एक ऐसे बॉस से जिसकी हेल्थ थी 30,000, हमने उसको तक लपेट डाला। तो यानी स्ट्रैटेजी हो तो सब कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फुल स्ट्रैटेजी बनाकर जाने वाला हूँ लड़ने के लिए। जैसे कि मैं अपने साथ वो बो एंड एरो ले गया था ना 50-60 क्राफ्ट करके, उसने बहुत ज्यादा डैमेज करा है भाई। अगर वही बो एंड एरो मैं बाकी पोकेमोन्स को मारने के लिए भी ले जाऊं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बॉस फाइट करने जाना है, मुझे अपने लिए एरो क्राफ्ट करनी है, और बस दैट्स इट। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, और कमेंट्स में अपनी प्रो टिप्स जरूर मुझे दे देना, वो हमेशा काम आती है भाई। तो ज्यादा देरी मत करो, फटाफट से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि इस टाइप की और भी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियो सीरीज इस चैनल पे आती रहेगी हमेशा। बट खैर आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।